हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दाल और चावल से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और कड़ाह नाश्ता, वो भी एक चम्मच तेल में। तो है ना कमाल की रेसिपी। और दूसरी बात यह है, यकीन मानिए आपने ऐसी रेसिपी खाना तो दूर की बात है देखी भी नहीं होगी। बिल्कुल ब्रांड न्यू नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार जो है वो है दाल और चावल। आप गूगल करके देख सकते हैं और देश के विदेशों में भी लोग इसे बहुत ज्यादा प्रेम से खाते हैं। और दाल और चावल बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ आपके विकास के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और दाल में पाया जाता है प्रोटीन। दोनों ही आपके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज इन्हीं के दोनों के मिश्रण से बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और कड़ाह नाश्ता। तो मैंने कौन कौन सी दाल ली है आपको बता देते हैं। तो मैंने लिया है चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की धुली हुई दाल ली है, आप चाहे तो छिलके वाली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है चावल। दोनों की जो मात्रा है वो चावल और दाल की मैंने इक्वल रखी है। तो चावल देखिए हमारा ज्यादा है और दाल हमारी उसी के बराबर है। तो चावल हमारा 100 ग्राम है और दाल हमारी तीनों मिला के 100 ग्राम है। और वैसे आप देखेंगे तो एक कटोरी चावल है और हमारी आधी आधी कटोरी से कम दाल है। आप चाहे तो कोई और दाल भी ले सकते हैं, जैसे मसूर की दाल ले सकते हैं या फिर आप अरहर की दाल भी ले सकते हैं, और आप कोई भी दाल से इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 ग्रीन चिली ली है जो इसको बहुत ज्यादा चटपटा और तीखा बनाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर अपना छन्ना रख लेंगे और मिर्च को हम अलग कर लेंगे और दाल और चावल सभी को मिला लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो हम तीनों को अच्छे से मिला लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसे हमें वॉश करना है क्योंकि इसमें काफी धूल और मिट्टी होती है। तो इस तरह से हम पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसमें दाल को भिगोने का भी झंझट नहीं है। दाल और चावल को बिना भिगोए आप कैसे बना सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो हम अभी इसे एक पानी और वॉश करेंगे। तो अच्छे से वॉश करना है ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो पानी है इसको हम फेंक देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। आगे का काम हम गैस पे करेंगे बिना भिगोए। कैसे आप बना सकते हैं आपको टिप एंड ट्रिक के साथ बताएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ, इस पानी को हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक भगोना लिया है छोटा वाला, उसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी डाला है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बूंद ऑयल, बस काफी है। अब इसके बाद जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, हम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, वो है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। और इसको डालने के बाद हमें इसे अच्छे से बॉईल होने देना है 1 से 2 मिनट तक। तो हम चम्मच से मिक्स कर देंगे। तो एकदम से आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो कैसे आप बना सकते वो मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको प्रॉपरली भिगो भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके बाद हमारी जो दाल और चावल थी इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमें इसको बॉईल नहीं करना है, बस हमारा जो पानी गर्म था उसी में हमको इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देना है फटाफट। और इसको हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट। 5 मिनट बाद ये अच्छे से अपने आप पूरा चावल और दाल फूल जाएगी। जो आपका 4 घंटे का काम है वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड आ गए इस तरफ, एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, 2 ग्रीन चिली डालेंगे जो हमारी थी, इसको हम इस तरह से तोड़ के डालेंगे। तो हमारी तीखी वाली, अगर आपकी तीखी वाली ना हो आप 3 से 4 डाल लेना। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे जिसको हम छिलके के साथ डाल लें, क्योंकि अदरक को छिलके के साथ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अदरक को 3 से 4 पानी अच्छे से रगड़ रगड़ कर धुल लेना तब डालना, ताकि जो मिट्टी वगैरह लगी हो वो निकल जाए। और अगर आपकी अदरक काफी ज्यादा पुरानी हो तो उसकी स्किन को निकाल देना है छिलके को। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां जो 5 से 6 डालेंगे, और इसको भी हम स्किन के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा लहसुन ताजा वाला लहसुन है जो बिल्कुल व्हाइट होता है। अगर आपका लहसुन पीला वाला है तो समझ जाइए पुराना लहसुन है, और उसकी स्किन हार्ड होती है यानी छिलका, तो उसको निकाल देना। अगर नया लहसुन है मेरी तरह तो स्किन को डाल देना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमें डालना है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, तो वो क्या है, 1 चम्मच साबुत जीरा। और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, इसको हम कवर कर देंगे और मिक्सी में लगाकर 1 से 2 बार ग्राइंड करेंगे बस, और हल्का सा मोटा मोटा सा रखेंगे। तो चलिए करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, इस तरह से बना लिया है। देख लीजिए कितना बढ़िया हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो चुका है। और ये मसाला आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ा है तो ये खराब नहीं होगा। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल और चावल को हमने रखा था 5 मिनट। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आइए इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखिए सारा पानी अच्छे से इसने सोख लिया है और
दो से तीन चम्मच ही पानी बचा है, सारा पानी हमारा अच्छे से इसके अंदर चला गया है और चावल और दाल अच्छे से फूल गए हैं। तो ये हल्का सा गर्म है तो हम इसे फटाफट निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा गर्म होगा तो इसे पीसने में आसानी होगी और बढ़िया तरीके से ये पीस जाएगा। तो चलिए इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं हल्का सा ठंडा होने के बाद। तो फ्रेंड ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं, तो ये देखिए ग्रीन वाला मसाला मैंने इसमें निकाल दिया, इसी मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे और इसको वॉश करने की जरूरत नहीं। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड इतना हमारा आ चुका है, इतना हम बाद में पीसेंगे, तो इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, इसे कवर करके बस अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना नहीं है, हल्का सा मोटा मोटा सा रखना है। तो चलिए इसे पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा सा रखा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं पीसना है। अब चलिए हम फटाफट इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो हमारा बचा हुआ था उसको भी हम पीस लेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल थिक थिक सा। अगर आप इसको पानी डाल के पीसेंगे तो आप इसका नाश्ता बना नहीं पाएंगे, मैं पहले फिर से बता दे रही हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से कितना हमारा ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ये वाला भी हम इसके अंदर ट्रांसफर करके पीस के लेके आते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए इसको ही पीस लिया है, और इसको भी हम फटाफट ट्रांसफर करेंगे। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है पहले से, तो आप लोगों को नमक नहीं डालना है, ख्याल ये रखना है, याद रखना कि नमक आपने पहले ही डाल दिया है, नहीं तो दोबारा डाल देंगे तो बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे से हम सारा निकाल लेते हैं, तो देखिए कितना थोड़े से में कितना ढेर सारा नाश्ता तैयार हो जाएगा, जिसे आप दिल खोल के खा सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपको बताते हैं फटाफट। एक पिंच हींग डालेंगे, ज्यादा हींग नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। फिर इसके बाद इसमें आधा चम्मच जाएगा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च चौथाई चम्मच, क्योंकि हमने हरा डाला है इसलिए हमें लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी है। एक चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला ताकि ये चटपटा हो। फिर इसके बाद हमारा ये जो ग्रीन मसाला था वो हम सारा का सारा इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। अब इसमें जाएगा ऑयल, तो आधा चम्मच ऑयल जिसको हम गरम करके डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे। और अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी, वो क्या है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड चाहे तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगी घुइये के पत्ते, जो हमारे 250 ग्राम घुइया थी यानी घुइये के पत्ते, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके फिर उसको फैन के नीचे रख दिया और इस तरह से कट कर दिया है। तो ये 250 ग्राम है, इसको डालने से लुक बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपको घुइये के पत्ते ना मिले तो आप इसमें मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, और चाहे तो पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन घुइया के पत्ते डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, और घुइया के पत्तों का सीजन भी है इस समय, आसानी से सब्जी वाले के पास मिल जाते हैं, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो हल्के हल्के हाथों से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और ये काम हाथ से करना है, चम्मच से उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम मिला देंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए आपका, अगर आपका ये पतला होगा तो आप इसे बना नहीं पाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, अब इसे हम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे पत्ते और दाल चावल और सारे मसाले आपस में मिल जाएं। तब तक अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं और इसे 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने हाथों पर अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे, और अब इसे हम शेप देंगे। तो कैसे देना है आपको बताते हैं। इस तरह से हमें ज़्यादा अमाउंट लेना है, और इसको हमें थोड़ा सा मोटा मोटा सा बनाना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा सिलेंडर शेप में, और इस तरह से हमें अपने रेडी कर लेने हैं। तो चलिए दूसरा भी बना के आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, और इसे इसी शेप में बनाना है, आगे हम इसे दूसरा शेप देंगे। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से बना लेना है, बहुत ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, बाकी भी हम बना लेंगे अपने। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 रेडी कर लिया, आधा पिस्टो मैंने फ्रिज में लगा दिया, उसको मैं बाद में बनाऊंगी, इतना मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, उतने में हम
दो से तीन बार नाश्ता बना सकते हैं। तो एक बार मैं बना रही हूँ, इसको मैं जब खा लूंगी तब मैं दोबारा बनाऊंगी। तो कोई भी थाली ले लीजिए या फिर कोई भी चीज ले लीजिए, इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और अब हमारा जो रोल तैयार किया था हमने, इस तरह से हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते थे, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। एक कढ़ाई रखी है और उसमें हमने एक स्टैंड रखा है और तीन से चार गिलास पानी रखा है। पानी हमारा जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब इसके अंदर हम अपना ये नाश्ता लगाएंगे। तो बिल्कुल आराम से लगा देना है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके हाई फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। तो चलिए कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आइए इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुका है सारा, और पानी देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सूख सा गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसको मैंने ठंडा होने के बाद खोला है और आपको भी ठंडा होने के बाद ही खोलना है। अगर आप तुरंत खोल देंगे तो आपके हाथ में भाप लग सकती है। जब ये अच्छे से हमारा पानी ठंडा हो चुका था तब हमने खोला है, तब भी ये हल्का हल्का सा गर्म है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए मैंने एक निकाल लिया है और इसको काटने से पहले हम अपनी नाइफ को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। और अब इसे हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसे शेप देंगे। तो फ्रेंड ये हल्का सा ठंडा हो चुका है और अपने हाथों में हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे मनचाहा शेप दे लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें लेना है और इसे हम इस तरह से कर लेंगे, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। बहुत ज्यादा इसे मोटा नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा इसे पतला नहीं रखेंगे, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसे शेप देना, और ये जब अच्छे से कुक हो जाता है तो इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमें इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं शेप, चाहे तो गोल बना लीजिए मेरी तरह, चाहे तो 4 एंगल, या फिर किसी भी शेप में आपका अपना मन है, लेकिन ये अच्छे से कुक होना चाहिए। तो कुक होने के बाद ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से जब पक जाती हैं तो हमारा ये बढ़िया सा मिश्रण इस तरह से रेडी हो जाता है। तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा 80% ही हमने पकाया है, और इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारी रेडी कर ली है, देखिए कितने ढेर सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे फ्रिज में लगा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कच्चा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और अच्छे से स्टीम हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक पैन रखा है, उसमें हमने बहुत ही कम तेल रखा है, 1 बड़ा चम्मच, और इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, बस इतना काफ़ी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे सल्लो फ्राई करूंगी, और इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो अब हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे, गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम टर्न कर लेंगे। नाइफ की सहायता से आसानी से ये टर्न हो जाएंगे, और देखिए एक साइड से अच्छे से सिकने के बाद ही आपको इसे टर्न करना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और दूसरी बात बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हमने सारे टर्न कर लिए हैं, अब इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट सिक जाने देंगे, और 2 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, दूसरे साइड से भी ये देखिए अच्छा सा सिक गया है, आपको दिखा देते हैं टर्न करके। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो गए हैं। अब हम चलिए फटाफट इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है, बहुत ही अमेजिंग है। ऊपर से कुरकुरा होगा, अंदर से सॉफ्ट है, फ्लफी है, और काफ़ी खूबसूरत इसका लुक है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, और काफ़ी कम तेल का ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो सेम पहले वाले की तरह हम ये वाला ही बना लेंगे अपना बचा हुआ बैच भी, फिर आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड लीजिए, हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो खाने में बहुत ज्यादा चटपटा और कुरकुरा होने के साथ साथ हेल्दी भी है, लाइट वेट भी है और क्रिस्पी भी है। तो ये देखिए, यहाँ से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ। किस किस को इस वाली चटनी की रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। और बहुत ज्यादा जल रहा है तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं इसे जा रही हूँ एंजॉय करने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको ये रेसिपी कैसे लगे कमेंट के जरिए बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस नाश्ते को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी परवाह के कि आपका वेट बढ़ेगा। बहुत ज्यादा कुरकुरा है, क्रिस्पी है, काफी गर्म है, तो गर्म गर्म आप इसे एंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और 10 से 15 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं पड़ा है। और ये जो हमारी है मूंगफली और नारियल की चटनी है, और इसको मैंने तड़का लगा के बनाया है, बहुत ही अमेजिंग सी चटनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे इसके साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ, चाय के साथ, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। आप इसे इस तरह से बना लीजिए और फिर सब्जी का मसाला भून कर उसमें पानी डाल दीजिए, फिर उसके बाद ये बढ़िया डाल दीजिए, बहुत ज्यादा अमेजिंग सी सब्जी बनेगी। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना, इसकी सब्जी भी बनती है और मेरे वहां मैं बनाती हूँ और स्टोर भी कर देती हूँ। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।